रहमान रहीम बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों हमने मैथ स्टार्ट की है, मैथ 212 और उसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कम्प्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी कम्प्लीट कर लिया। अब करें क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इज द पॉइंट 0.4 इन साइड और आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 4 विद सेंटर एट -3 व 1। बच्चों ये जो सा पॉइंट है ये सर्कल के इन साइड है या आउटसाइड है। असल क्वेश्चन क्या हमारा, ये जो सा पॉइंट है ये सर्कल के अंदर की जानब है या सर्कल के बाहर की जानब मौजूद है। तो इसका रेडियस किसके बराबर है, 4 के बराबर दे दिया और विद सेंटर हमें दे दिया। बच्चों हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। बच्चों ये एक हमारे पास सर्कल है, ये इसका क्या हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट हमें बच्चों क्या दे दिया, इसका नाम क्या रख लेंगे, ओ। सेंटर के पॉइंट का नाम क्या रख लेंगे, ओ। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, -3 व 1। और एक पॉइंट और हमारे पास मौजूद है जो कि सर्कल के अंदर की जानब भी हो सकता है और सर्कल के बाहर की जानब भी हो सकता है, वो 0 व 4। हम इस पॉइंट का नाम क्या रख लेंगे, A 0 व 4। बच्चों क्वेश्चन क्या हमारा, ये जोन सा पॉइंट है ये सर्कल के अंदर की जानब है या ये पॉइंट सर्कल के बाहर की जानब है। हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट के दरमियान जो सा रेडियस है, रेडियस किसके बराबर है, 4 के बराबर। बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेडियस किसके बराबर है, 4 के बराबर है। हमने ये पॉइंट को चेक करना है, ये जो सा पॉइंट है ये सर्कल के अंदर की जानब है या सर्कल के बाहर की जानब है। तो अगर हम इन दो पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे, अगर ये डिस्टेंस ग्रेटर देन 4 आ गया, अगर बच्चों इन दो पॉइंट का हम डिस्टेंस लेंगे, अगर वो डिस्टेंस ग्रेटर देन 4 आ गया तो इसका मतलब क्या, ये आउटसाइड पर है, ये पॉइंट सर्कल के आउटसाइड पर है। अगर इन दोनों पॉइंट का हम लेंगे डिस्टेंस, वो आ जाता है 4 के लेस देन 4। तो लेस देन 4 आ गया तो इसका मतलब ये होगा ये सर्कल के इनसाइड होगा पॉइंट। तो क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, ए। ए पॉइंट क्या हमारे पास, 0 व 4। और ये सेंटर पॉइंट का नाम क्या रख लेंगे, ओ, -3 व 1। हम क्या ले लेंगे, ओ ए का डिस्टेंस ले लेंगे बच्चों, ओ ए का डिस्टेंस। अब O के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x1 y1। A के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x2 y2। अब बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस का फार्मूला क्या हमारे पास, x2 - x1 ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 - y1 ऊपर होल का स्केयर ऊपर सारे का जजर। x2 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। x1 -3 के बराबर है, माइनस फार्मूले वाला +3 आ गया ऊपर होल का स्केयर प्लस। y2 हमारे पास 4 के बराबर है, y1 हमारे पास 1 के बराबर है ऊपर होल का स्केयर ऊपर सारे का जजर। बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, 3 का स्केयर, 4 में से -1 करेंगे तो 3 का स्केयर ऊपर सारे का जजर। तो बच्चों 3 का स्केयर 9 प्लस 9, तो 9 को लिख सकते, 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 18 का जजर। 18 के जजर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 9 multiply 2 ऊपर दोनों का जजर। 9 ज़रबे 2 कितना आ जाएगा, 18। अब 9 का जजर अलहदा कर देंगे और 2 का जजर अलहदा कर देंगे। 9 का जजर किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर, इन टू 2 का जजर, इन टू 2 का जजर।
बच्चों क्या हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर देन 4 है या लेस देन 4 है? बच्चों ये वैल्यू हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 4। अगर इन दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन 4 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये जोन सा पॉइंट है ये सर्कल के आउटसाइड पर है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं सो ए पॉइंट 0 व 4 इन आउटसाइड आउटसाइड द सर्कल। बच्चों ये जो सा पॉइंट है ये आउटसाइड पे है क्योंकि ये ग्रेटर देन 4 आ गया। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करें क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 डिटरमाइन वाई सो डैट जीरो वाई, जीरो और वाई दे दिया हमें पॉइंट, शैल शैल बी ऑन द सर्कल ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 4 विद सेंटर एट -3 व 1। बच्चों डिटरमाइन डिटरमाइन करें वाई, मतलब हमने वाई की वैल्यू मालूम करनी है। बच्चों हमने वाई की वैल्यू मालूम करनी है और ये जो सा पॉइंट है ये शैल बी ऑन द सर्कल। बच्चों ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर कहीं पर ये पॉइंट एक मौजूद है जिसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का नाम क्या रख लेंगे? ए, 0 व y। बच्चों ये जो सा पॉइंट है ये शैल बी ऑन द सर्कल। बच्चों इस सर्कल के ऊपर ये पॉइंट मौजूद है, इसका नाम ए रख दिया। और विद सेंटर, बच्चों विद सेंटर हमें किसके बराबर दे दिया? बच्चों ये जो सा सेंटर हमें दे दिया, इसका नाम क्या रख लेंगे? ओ। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास? -3 व 1, -3 व 1। अगर इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेडियस। रेडियस हमें किसके बराबर दे दिया? 4 के बराबर। रेडियस हमें किसके बराबर दे दिया? 4 के बराबर। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए का जो उनका डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है। बच्चों ओ ए का जो उनका डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो हम यहाँ पर किसके बराबर लिख देंगे? 4 के बराबर। ओ ए का डिस्टेंस ले लेंगे। बच्चों क्या करेंगे? ओ ए का डिस्टेंस। अब ओ के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे? बच्चों ओ के कोऑर्डिनेट हमारे कहलाएंगे x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या कहलाएंगे? x2 y2। बच्चों y की कीमत मालूम करें, ये जो उनसा पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर कहीं पर मौजूद है, मैंने इसका नाम ए पॉइंट रख दिया, 0 व y। और ओ में सेंटर में ये दे दिया था, इन दोनों पॉइंट का जो उनसा रेडियस है वो 4 के बराबर है, मतलब ओ ए का जो उनसा डिस्टेंस है वो 4 के बराबर है। हम ओ ए का डिस्टेंस ले लेंगे। ओ के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे? x1 y1। ए के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे? x2 y2। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे, x2 हमारे पास किसके बराबर है? 0 के बराबर। x1 हमारे पास -3 के बराबर है, तो +3 हो गया ऊपर होल का स्केयर, प्लस y2
वाई टू हमारे पास वाई के बराबर है, वाई वन हमारे पास वन के बराबर है, ऊपर होल का स्केयर इज इक्वल टू फोर। बच्चों ये थ्री का स्केयर कितना आ जाएगा, नाइन प्लस वाई माइनस वन ऊपर होल का स्केयर इज इक्वल टू फोर। बच्चों हमने वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जजर ख़त्म करेंगे। जजर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों, स्केयर ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे, इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे और इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे, मरबा जजर कैंसल, हमारे पास आ जाएगा नाइन प्लस वाई माइनस वन ऊपर होल का स्केयर इज इक्वल टू फोर का स्केयर कितना आ जाएगा, सिक्सटीन। तो बच्चों ये नाइन इसी तरह वाई ए माइनस बी होल का स्केयर ओपन कर देंगे, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर माइनस टू ए बी, ये प्लस का 16 है इस तरफ आके माइनस का 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ज़ीरो आ जाएगा। बच्चों वाई स्केयर को पहले लिख लेंगे, इसके बाद माइनस का 2y प्लस का 9 प्लस का 1, तो ये प्लस का 10 हो गया, 10 प्लस का है तो माइनस का 16 है, तो माइनस का 6 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यहाँ पर कौन सा हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, तो x y स्केयर के साथ जो सा कोफिशियंट है वो a के बराबर ले लेंगे, इस y के साथ जो सा कोफिशियंट है वो b के बराबर ले लेंगे, ये जो उनकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये c के बराबर ले लेंगे। अब फार्मूले को y के बराबर लेट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, टू ए वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर, वाई इसी तरह बी की वैल्यू क्या है, माइनस टू, इसके साथ भी माइनस है तो प्लस टू आ गया, प्लस माइनस बी की वैल्यू माइनस टू ऊपर होल का स्क्वायर आ गया माइनस फोर, ए हमारे पास वन के बराबर है और सी हमारे पास माइनस सिक्स के बराबर है, ओवर टू इंटू वन आ गया। तो बच्चों हमारे पास y इज इक्वल टू टू प्लस माइनस, ये टू का स्केयर कितना आ गया, फोर नफी नफी जमा छः चार चौबीस ओवर टू। तो बच्चों हमारे पास y इज इक्वल टू टू आ गया प्लस माइनस चौबीस जमा फोर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अट्ठाईस ओवर टू। तो बच्चों ये वाई इसी तरह ये टू आ गया प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं अट्ठाईस को फोर मल्टीप्लाई सेवन, फोर मल्टीप्लाई सेवन कितना आ जाएगा, ट्वेंटी एट ही आ जाएगा ओवर टू। तो बच्चों ये वाई इसी तरह टू आ गया प्लस माइनस, फोर का जजर अलहदा कर देंगे और सेवन का जजर अलहदा कर देंगे, ओवर कितना आ गया टू। तो बच्चों हमारे पास 4 का जजर किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर, 7 का जजर इंटू टू। बच्चों ऊपर से क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, बच्चों ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस 7 का जजर ओवर 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस का 7 का जजर। तो बच्चों हमने ये y डिटरमाइन करना था, वो हमने फाइंड कर लिया y की वैल्यू। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4, अब करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट xy इज ऑन द x axis एंड इज 6 यूनिट
सिक्स यूनिट्स अवे। अवे फ्रॉम दी पॉइंट, दी पॉइंट वन व फोर, फाइंड करें एक्स एंड वाई। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने इसका कंसेप्ट समझ लेना है इस क्वेश्चन का। द पॉइंट एक्स वाई इज ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर है। बच्चों ये जो सा पॉइंट है ये किसके ऊपर वाक्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर वाक्या है। और इज यूनिट सिक्स, यूनिट हमारा किसके बराबर है? सिक्स के बराबर है। अवे फ्रॉम द पॉइंट वन व फोर, फाइंड करें एक्स और वाई की वैल्यू। बच्चों हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। अगर बच्चों ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, मैं कहता हूं मेरे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास एक्स वाई, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, और यहां पर कोई एक बी पॉइंट मौजूद है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास वन व फोर है, और इन दोनों पॉइंट के दरमियान, इस पॉइंट और इस दोनों पॉइंट के दरमियान जो उनका यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या बच्चों? डिस्टेंस। इन दो पॉइंट के दरमियान जो उनका डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? सिक्स के बराबर है। इन दोनों पॉइंट के दरमियान क्या है? डिस्टेंस। अगर बच्चों ये जो उनका ए पॉइंट एक्स वाई इज ऑन दी एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर बच्चों ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे? जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस, बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो। इसलिए वाई की वैल्यू क्या ले लेंगे? जीरो के बराबर ले लेंगे। अगर इस पॉइंट को, अगर इसको वैल्यू इस पॉइंट के अंदर एक्स इसी तरह आ गया, वाई की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे? जीरो। वाई की वैल्यू बच्चों क्या पुट करेंगे? जीरो। y की वैल्यू जीरो होगी। दूसरा b पॉइंट क्या हमारे पास बच्चों? वन व फोर। इन दो पॉइंट के दरमियान बच्चों जो उनका डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? सिक्स के बराबर। तो मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ, ए बी का जो उनका डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू किसके बराबर है? सिक्स के बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? वाई की वैल्यू तो है मेरे पास लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं है, वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस ले लेंगे इज इक्वल टू सिक्स के बराबर कर लेंगे। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे? एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू। अब ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू सिक्स के बराबर है तो एक्स टू हमारे पास वन के बराबर है, एक्स वन हमारे पास एक्स के बराबर ही है, ऊपर होल का स्केयर आ गया, प्लस वाई टू हमारे पास फोर के बराबर, वाई वन हमारे पास जीरो के बराबर, ऊपर होल का स्केयर इक्वल टू सिक्स आ गया। तो बच्चों हमारे पास वन मनफी एक्स ऊपर होल का स्केयर प्लस फोर में से माइनस जीरो करेंगे तो फोर ही आएगा, फोर का स्केयर लेंगे तो सिक्सटीन आ गया, ऊपर क्या आ गया? जजर इक्वल टू सिक्स का स्केयर, ये सिक्स इसी तरह आ गया। अब बच्चों ये हमने जजर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्केयर ले लेंगे, दोनों तरफ स्केयर, मरबा जजर कैंसल, हमारे पास आ जाएगा वन मनफी एक्स ऊपर होल का स्केयर प्लस सिक्सटीन इक्वल टू सिक्स का स्केयर कितना आ जाएगा? छत्तीस के बराबर। तो बच्चों इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू ए बी प्लस का सिक्सटीन, और ये प्लस का छत्तीस है, इस तरफ आके माइनस का 36 हो जाएगा इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। इसको रीअरेंज कर देंगे, एक्स स्केयर फिर इसके बाद माइनस का 2x, 16 प्लस 1 ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 17 माइनस का 36 तो इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स स्केयर माइनस का 2x तो ये आ जाएगा माइनस का 19 इक्वल टू जीरो।
बच्चों प्लस का 17 है, माइनस का 36, इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा। हमने बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या बच्चों, 1। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। एक्स के साथ जो उनसी कोफिशेंट है वो बी के बराबर है, बी की वैल्यू किसके बराबर, -2 के बराबर। सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई -19। फार्मूला लगा देंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू -2, इसके साथ भी माइनस है तो प्लस का 2 आ गया, प्लस माइनस। बी की वैल्यू -2 ऊपर होल का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर, सी की वैल्यू -19 के बराबर ओवर 2 × 1 आ गया। बच्चों हमारे पास एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। नफी नफी जमा 19 ज़रबे 4, बच्चों 19 ज़रबे 4 करेंगे तो 76 आ जाएगा, 19 ज़रबे 4 करेंगे, नफी नफी जमा हो गया ओवर 2। तो बच्चों एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब ये आ जाएगा 80, 80 का जजर ओवर 2। बच्चों क्या करेंगे, 80 को हम किस तरह लिख सकते हैं, बच्चों ये एक्स इसी तरह इज इक्वल टू ये 2 प्लस माइनस, 80 को लिख सकते हैं 16 × 5 ओवर 2 एक्स इक्वल टू, बच्चों ये 2 इसी तरह आ गया प्लस माइनस, 16 का जजर अलहदा कर लेंगे और 5 का जजर अलहदा कर लेंगे ओवर 2। तो बच्चों ये एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस 16 का जजर किसके बराबर, 4 के बराबर, इंटू 5 का जजर ओवर 2 आ गया एक्स इक्वल टू। बच्चों ऊपर से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस का 2 × 5 का अंडर रूट ओवर 2। बच्चों ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस माइनस 2 × 5 का अंडर रूट। तो बच्चों ये एक्स की है। अब हमने लिखनी है पॉइंट, हमने दी पॉइंट, बच्चों हमने ये पॉइंट मालूम करना था, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी थी। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, वाई की वैल्यू हमने यहाँ से मालूम कर ली थी। तो बच्चों पॉइंट की शेप में लिखेंगे तो ए पॉइंट हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस माइनस 2 × 5 का अंडर रूट और वाई की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास 0। तो ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 एंड ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन whose length is 13 unit is the point four by eight and the ordinate of the other end is 3. What is its abscissa
बच्चों हमने क्या फाइंड करना, अब सीसा फाइंड करना है बच्चों। ऑर्डिनेट और अब सीसा, अगर बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑर्डिनेट क्या है और अब सीसा क्या। अगर मैं एक पॉइंट ले लूं जिसके कोऑर्डिनेट एक एक्स है, दूसरा क्या है वाई कोऑर्डिनेट, एक एक्स कोऑर्डिनेट है दूसरा क्या है वाई कोऑर्डिनेट। बच्चों इस एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं अब सीसा, बच्चों क्या कहते हैं अब सीसा, और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट को अब सीसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो बच्चों अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वन एंड ऑफ द लाइन हुज लेंथ इज 13। बच्चों हमें ए पॉइंट ये दे दिया, हमें ए पॉइंट क्या दे दिया बच्चों 4 व 8, और दूसरा अदर जोन सा पॉइंट है उसका हमें ऑर्डिनेट दे दिया। बच्चों ऑर्डिनेट क्या हमारे पास, ऑर्डिनेट हमारे पास किसके बराबर है 3 के बराबर है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमें किसके बराबर दे दिया 3 के बराबर। अगर इसको पॉइंट में लिखते हैं हम, अगर इसको पॉइंट में लिखें तो इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे बी, बी पॉइंट का हमें वाई ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या हमें वाई कोऑर्डिनेट दे दिया, वाई कोऑर्डिनेट क्या दे दिया हमें 3। एक्स क्या करना है हमने मालूम करना है, अब सीसा हमने मालूम करना है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, हमारे पास एक ए पॉइंट हमें दे दिया था, ए पॉइंट हमें क्या दे दिया 4 व 8, और एक हमें बी पॉइंट दे दिया उसने एक्स वाओ 3, क्योंकि हमें ऑर्डिनेट दे दिया, वाई कोऑर्डिनेट दे दिया था, वाई कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 3। हमने ये एक्स मालूम करना है, इस एक्स का मतलब क्या है अब सीसा मालूम करना है। इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो सा डिस्टेंस है वो किसके बराबर है 13 के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे हम, ऑर्डिनेट हो गया, हम लिख सकते हैं ना ए बी का जो सा डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू किसके बराबर है 13 के बराबर है। तो ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे हम, तो ए बी का डिस्टेंस, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो x2 - x1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 3 के बराबर, y1 हमारे पास 8 के बराबर है, ऊपर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13। बच्चों हमने एक्स वैल्यू मालूम करनी है, व्हाट इज द इट्स अबसीसा, मतलब ये इस एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम कौन सी कंडीशन यूज कर लेंगे, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 13 के बराबर रख लेंगे, तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया x-4 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस -5 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, ऊपर जजर इज इक्वल टू 13। तो बच्चों हमारे पास इसका फार्मूला ओपन, हमने ये जजर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्केयर ले लेंगे बच्चों, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्केयर, x-4 ऊपर होल का स्केयर आ गया, 5 का स्केयर कितना आ गया 25। तो बच्चों ये दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्केयर, इस तरफ क्योंकि जजर को ख़त्म करना है हमने, इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे, मरबा जजर कैंसल। तो हमारे पास बच्चों x-4 होल का स्केयर प्लस का 25 इज इक्वल टू 13 का स्केयर। तो बच्चों इसका स्केयर ओपन कर लेंगे, ए का स्केयर 4 का स्केयर कितना आ जाएगा 16, ए का स्केयर बी का स्केयर -2ab प्लस 25 आ गया इज इक्वल टू 13 का स्केयर कितना आ जाएगा 169। तो एक्स स्केयर माइनस का 8x, बच्चों इसको प्लस कर लेंगे तो ये प्लस का 41 हो गया, ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारे पास एक्स स्केयर माइनस का 8x, इसको 41 निकाल देंगे तो माइनस का 128 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया, बी इज इक्वल टू -8 आ गया, सी इज इक्वल टू -28। तो फार्मूला लगा देंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर क्या आ गया, टू ए। तो एक्स इसी तरह बी की वैल्यू माइनस एट, इसके साथ भी माइनस है तो प्लस एट आ गया, प्लस माइनस। बी की वैल्यू माइनस एट ऊपर होल का स्केयर हो गया, फोर आ गया। ए हमारे पास वन के बराबर, सी माइनस 128 आ गया, ओवर क्या आ गया हमारे पास, टू इंटू वन। तो बच्चों हमारे पास एक्स इक्वल टू एट आ गया, प्लस माइनस एट का स्केयर कितना आ गया, 64। नफी नफी जमा, फोर मल्टीप्लाई 128 करेंगे तो ये 512 आ जाएगा, ओवर टू। तो बच्चों हमारे पास एक्स इक्वल टू एट आ गया, प्लस माइनस, अब 512 में जमा 64 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576, ओवर टू आ गया। एक्स इक्वल टू एट आ गया प्लस 576 का जजर बच्चों किसके बराबर है, 24 के बराबर है, ओवर क्या आ गया, टू। कैलकुलेटर से निकालेंगे 24 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू बच्चों क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू कर देंगे और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू कर देंगे। तो बच्चों ये 24 जमा 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 32 बटा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 6 12। तो बच्चों ये एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू एट निकाल देंगे तो ये माइनस का 16 बटा 2, तो ये 2 एकम 2, 2 8 16, तो एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का 8। बच्चों ये हमने दो वैल्यू एक्स की निकाल ली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।